हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी मस्त हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरा किचन ना थोड़ा सा फैल गया है, इसीलिए मैं पहले किचन को साफ़ कर रही हूँ। सुबह सुबह ना चाय, नींबू पानी वगैरह बनाती हूँ तो किचन थोड़ा सा मेसी हो जाता है, इधर उधर सारे चीज़ें फिर से बिखर जाते हैं। वैसे मैं रात को तो पूरा किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन सुबह होते ही वो फिर से मेसी हो जाता है, इसीलिए पहले मैं किचन को साफ़ करती हूँ, उसके बाद बाकी सारे काम करती हूँ। ये कुछ बर्तन वगैरह निकले थे, इन्हें मैं अभी साफ़ करके रख दूँगी, उसके बाद मेरा बाकी घर का काम भी शुरू होगा और मेरे पैकेट में थोड़ा बहुत काम है उसे भी निपटाऊँगी। तो ये सारे ना ऑनियन पील्स फर्टिलाइजर है जिसको मैं कल से ही बनाकर रखा था, लेकिन पौधों में नहीं डाला था, आज मैं इसे डाल दूंगी। ये फर्टिलाइजर पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसे डालने से ना पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो मैं हमेशा इसे ही बनाकर डालती हूँ। और इसके अलावा और भी सारे मेरे किचन से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उनमें से मैं कई सारे फर्टिलाइजर बनाकर मेरे पौधों में यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा मेरे पौधों में गुड़ाई वगैरह कर रही हूँ, बीच बीच में इस तरह से मैं गुड़ाई कर लेती हूँ और उसमें खाद वगैरह डाल देती हूँ। वैसे मैं बाहर का खाद तो यूज़ नहीं करती हूँ, घर में जो खाद मैं बनाती हूँ उसको ही डालती हूँ। मेरे बैकेट से बहुत सारे पत्ते वगैरह निकलते हैं, उनमें से मैं खाद बनाकर मेरे पौधों में यूज़ करती हूँ। वैसे इस टाइम तो मिट्टी थोड़ा सा हल्का है, इसीलिए गुड़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, इसीलिए मैं इजीली गुड़ाई कर लेती हूँ। और अभी थोड़ा सा बैकेट को साफ़ करने का टाइम है तो मैं पहले बैकेट को साफ़ करूँगी। तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ के लूँगी। वैसे मेरा फ्रिज में कड़ी पत्ता हमेशा रहता है लेकिन आज ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से थोड़ा सा कड़ी पत्ता लूँगी, उसे साफ़ करूँगी, बाद में फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। और पैकेट में कड़ी पत्ता है लेकिन हमेशा पैकेट में निकलना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कड़ी पत्ता को यहाँ से लेती हूँ और उसे साफ़ करके फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। तो मेरे अमरूद के पेड़ में जितने सारे अमरूद हुए थे ना, सारे चिड़िया आकर उन्हें चोंच मार मार के नीचे गिरा रहे हैं और सारे अमरूद को ख़राब कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज थोड़ा बहुत अमरूद यहाँ से तोड़ के ले लूँगी, क्योंकि क्या पता फिर से वो अगर आ जाए और फिर से वो सारे अमरूद को ख़राब कर दे तो एक भी अमरूद नहीं बचेगा। वैसे छोटा छोटा हुआ है फिर भी टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ से तोड़ के ले लेती हूँ और उसके बाद जाऊँगी मेरा बाकी घर का काम भी करूँगी। Oh,
तो सुबह ही मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया था, अभी घर में डस्टिंग कर रही हूँ, इसके बाद सारे घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लूंगी। और म्यूजिक चलाकर घर का काम करने में ना एक अलग सा मजा होता है, पता नहीं चलता है घर का काम कब खत्म हो जाता है, क्योंकि इधर हम म्यूजिक सुनते रहते हैं और उधर हमारा घर का काम भी होता रहता है। तो ऐसे में ना बिल्कुल भी काम का पता नहीं चलता है कब काम खत्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये सब ना आज की कड़ी पत्ते हैं जो मैं आज ही तोड़ के लिए थे, और ये कड़ी पत्ता ना 10-15 दिनों का है, लेकिन एक भी पत्ता इसका ख़राब नहीं हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसे ना कंटेनर में भर कर रखा था, तो एक छोटा सा ग्लास का कंटेनर में मैं इसे रखती हूँ। लेकिन पहले मैं क्या करती थी, कड़ी पत्ता को इस तरह से तोड़ के रखती थी, और वो ना ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिनों तक अच्छे से रहते थे, लेकिन उसके बाद ना धीरे धीरे ख़राब हो रहे थे। और अभी मैं क्या करती हूँ, ये सारे कड़ी पत्ते को ऐसे ही लेती हूँ और इसकी डंडियों के साथ ही मैं इसे कंटेनर में स्टोर करके रख देती हूँ। तो ये ना बहुत दिनों तक ऐसे ही फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। वैसे हमारे पास तो कड़ी पत्ता के प्लांट है, इसीलिए ज़्यादा कड़ी पत्ता हमें स्टोर करना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ना कड़ी पत्ता के प्लांट नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये टिप बहुत ही काम आने वाला है। जब भी आप सबको एक साथ बहुत सारे कड़ी पत्ते मिल जाए ना, तो कड़ी पत्ते को अच्छे से साफ करके ग्लास के कंटेनर में भर के फ्रीज में आप 1 से 2.5 महीना तक ऐसे ही फ्रेश रख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। मैं तो यहाँ थोड़ा बहुत कड़ी पत्ते छोटे से कंटेनर में रख रही हूँ, लेकिन आप ना बहुत सारे कड़ी पत्ते को बड़ा सा कंटेनर में भर कर रखिएगा, तो बहुत दिनों तक आपका कड़ी पत्ता फ्रेश रहेगा। तो घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं शाल लेके आ गई थी, पूजा वगैरह भी ख़त्म कर लिया है, और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है क्योंकि अभी सुबह का 10 बज रहा है और बहुत ज़ोर से भूख भी लग रहा है। तो आज ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ हम मशरूम की सब्जी खाएंगे। तो चलिए गाइज, अभी हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो इस वीडियो को मैं ही पेंट कर लेती हूँ, होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे और एक न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।